इज क्लीनिंग माय किचन। तो मामा को बोलूंगी, पापा को बोलूंगी। इसको देखो, याद करती अपनी मम्मी। मैं बता दूंगी, आप लोग देख लो ये मधु। गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरे को फीवर है, गोलू को फीवर है, हर्षु को भी हल्का फुल्का फीवर है और मेरी हाउस हेल्प है आज छुट्टी पर, तो सारा काम करना पड़ेगा मुझे। तो बस हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा मिलजुल के कर लेते हैं, तो फटाफट से मैं एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि सबसे पहला काम वही है, उसके बाद कुछ करते हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा स्लिपी स्लिपी फील कर रही हूँ मैं। गोलू के पापा आज मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, वही दिखाती हूँ जस्ट अ सेकंड। इसकी क्लीनिंग माय किचन। देखते देखते क्या करना है क्या नहीं, और चलो फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। मुझे करना ये सारा क्लीन, तो अभी बच्चे सो रहे हैं तो ऐसा सच में जो बैड नहीं करना, मैं बैड बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं, बाहर झाड़ दूँगी। इनको सोने देते हैं क्योंकि दोनों फीवर में हैं। और अब ये सब जो झाड़ू वाड़ू लगानी है मैं वो लगा देती हूँ। सो गोलू के पापा कर रहे हैं किचन और मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने। क्लीनिंग मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत, और फटाफट से झाड़ू लगा के मैंने हर्षु को नहला दिया। उठने के बाद इसको मैं रेडी कर रही हूँ, डायपर वाइपर इसको पहना के कपड़े पहना दिए हैं और ये हो गया है यहाँ पर रेडी। जल्दी जल्दी से मैं लगा लेती हूँ अब पोछा। गोलू सो रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, बाद में बेडशीट झाड़ लूँगी। सबसे पहले मुझे करना है अपना क्लीनिंग, तो यहाँ पर आ गई मैं बर्तन साफ़ करने पोछा लगाने के बाद। तो यहाँ पे आज मम्मी बना रही है आलू बैंगन की सब्जी। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को देना भूल गया, अगली बार दिलवाऊंगी भाई पक्का, ठीक है। पे है हर्षु, गोलू को मैंने निला दिया और मैंने उसको रेडी करा है। ओह माय गॉड, इसने पता है क्या किया, इसने ना अपने सारे कपड़ों पे और बेडशीट पे पूरा ऑयल ऑयल गिरा दिया, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत। देखो क्या हाल बना दिया इसने मेरी बेडशीट का, अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी। और इसने अपने कपड़ों पे भी गिरा लिया, ये देखो इसकी पैंट भी मुझे अब चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं आपकी पिटाई कर दूं? पिटाई करूं? ठीक है चलो फिर। ये क्या है? थप्पड़। लगा देती हूँ। हाँ। नहीं तो मामा को बोलूंगी, पापा को बोलूंगी। पापा को बोल दे तो अभी पापा से डरती हूँ। बुला बुला पापा, पापा बुला ना बुला। मैंने मारा बोल दिया। क्या है? हाँ कट्टी कर देगी, बताऊं तेरे को, पिटाई करूंगी तू कट्टी करेगी तो। देखो कितने ड्रामे हो रहे हैं, इसको डांट दो तो ये कट्टी कर देगी। चांटा दिख रहा है? चांटा ये क्या है? कहाँ मारूंगी? हाँ तो ऐसे जोर का चांटा लगाऊंगी ना, बहुत जोर का। हाँ जोर का चाटा लगेगा। मैं मौसी हूँ, ड्रामे करने आ गए ना इस लड़की को। जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ और स्किन केयर के लिए मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया अभी टोनर, अभी काफ़ी बेटर लग रहा है मेरी तबीयत में भी। और मैंने थोड़ा सा टोनर अप्लाई किया अभी जस्ट, आप देख रहे हो मेरे फेस पे और यहाँ पर। तो जस्ट अभी टोनर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फिर फटाफट से मॉइस्चराइज़र। अपना एक स्किन केयर ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाली हूँ, लगा कर भी दिखाऊंगी कैसे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही बट फिर भी आपको बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो चलो फिर मैंने एक बार स्किन केयर कर लेती हूँ फटाफट से। खाने वाने की तैयारी हो चुकी है, सब्जी मम्मी ने बना दी थी, आटा मैंने लगा दिया है, तो नीचे चल के देखते बच्चे क्या कर रहे हैं। सो गाइस जस्ट अभी हम जा रहे हैं पूजा भाभी के पास और एक बार फटाफट से एक बार अपना सूट उठा के लाते हैं, तो चलो फिर चलते हैं। कैसा? हाँ कली वाला वैसा, क्या बोलते कैनकन का, इसमें कैनकन लगेगी क्योंकि रुकेगा ही नहीं बिना कैनकन के, बिना कैनकन ही रुकेगा।
तो ये है पूजा भाभी जो कि मेरी ड्रेसेस सूट सब कुछ सिलती हैं, और मम्मी की एक फ्रेंड है जिनको अपना एक लहंगा बनवाना था तो मैं उनको लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं की ड्रेस है जिनका उनको लहंगा बनवाना है। ये उनकी साड़ी है कोई पुरानी, तो वही है कि यहाँ पर बात चल रही है कि वो कैन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, वही ट्राई ऑन कर रहे हैं। वो बता रहे के कितने मीटर है, कितने मीटर में बनेगा, कैसे क्या है, वो सब चल रहा है यहाँ पे। और भाई ये बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती है, आप भी बनवा सकते हो। देखो याद थे अपनी मम्मी के पास आ गया। उधर देखो, हाँ बगा दे बेटा, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नेचर किया। पड़ेगा गिर जाएगा, बैठ जा चला ले साइकिल। गाइस जस्ट अभी मैं ना पूजा भाभी को अपना सूट ले आई हूँ, और वो मैं शायद कल या परसों के ब्लॉग में पहनने वाली हूँ। मतलब वो ठीक करना दिया था, ऐसा है नहीं, आपने पहले भी देखा होगा शायद मुझे वो पहने। यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकने आ गई, फटाफट से रोटियाँ सेकनी है मुझे पापा के लिए, फिर मैं बनाऊँगी दलिया, क्योंकि वो रोटियाँ खाने का उनका मन नहीं है अभी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए दलिया की रेसिपी ऐसा कुछ नहीं है, दलिया को मैंने थोड़ा सा घी में रोस्ट किया है और उसके बाद बस इसमें पानी डाल के चीनी डाल के उबाल दिया। ये मेरी लस्सी, और अब मैं ये आम खाएगी यहाँ पे, ये अपने लिए इन्होंने आम काटे हैं, और मेरे को भी आम खाना है नहीं है अभी, मैं खाऊँगी लस्सी के साथ रोटी। सब्जी मैं दिखाती हूँ मम्मी की, सब्जी की शक्ल, दिस इज मम्मी की सब्जी लुक लाइक्स। ये बनाया मम्मी ने आलू बैंगन की सब्जी, लस्सी, रोटी, आम, और ये मेरा पति, पति के साथ मैं रोटी खा रही हूँ। ठीक है, हैं कुछ तो बोलो। बुक सब ऐसे कहते हैं कि आपके पति कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों नहीं बोलते मेरे पति? गाइस मेरे पास आई थी किट्टू, वो नेल एक्सटेंशन करने गई है अभी किसी के, तो एक्चुअली मम्मी की एक फ्रेंड थी तो उनको नेल एक्सटेंशन कराने हैं, तो वो उनके नेल एक्सटेंशन करने गई है। और मैंने ना अपने नेल एक्सटेंशन ऑलमोस्ट रिमूव खुद ही कर दिए, और थोड़े बहुत रहते हैं, ये एक दो नेल्स रहते हैं, तो इनको वो अभी आके करने वाली है, क्योंकि भाई मेरे साथ ना बेबी हैं तो बार बार उनको लग जाती है। मैं वो बोल रही है कि मेरा मन है दूसरे नेल्स करने का, बट मैं नहीं चाहती अब, तो मैं इनको हटवाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, एक्सटेंशन अच्छे रहे, काफ़ी मजबूत थे, बट भाई मेरे साथ बच्चे हैं, हर्षु को दो तीन बार मेरे नेल्स लग चुके, तो फिर मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती ऐसा। और बस अब इन दोनों को मैं सुला दिया है, दिखाती हूँ मैं। भाई बहन यहाँ पे सो रहे हैं, गुल्लू के पापा भी अभी जस्ट आने ही वाले हैं बाहर कुछ काम से, और हम सब अब थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं। चलो फिर आपसे उठने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर का सूप। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, इनको 2 पार्ट में काट के थोड़ा सा पानी डाल के डाल दिया है नमक, और इनको चढ़ा दिया गैस पे। साइड में मैं गोलू की बॉटल बॉईल करनी चढ़ा रही हूँ, ये बॉईल होने के बाद इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है मैंने, इसी में छूट दिया जार में। अब इसको पीसना है ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने के बाद पीसने के बाद जस्ट अभी मैं ना पापा के लिए सूप बनने के लिए टमाटर उबाल के आई हूँ, और अब वो ठंडे हो रहे हैं, तो फटाफट से मैं एक बार कर देती हूँ हर्षु के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि हमें जाना है आज एक पार्टी में, मेरे 2 स्टूडेंट्स की शादी है यहाँ पास में ही है मतलब कि, तो उनकी शादी में जाना है जस्ट मुझे अभी, तो फटाफट से मैं एक बार इन लोगों के कपड़े सिलेक्ट कर दूँ, अपने कपड़े सिलेक्ट कर दूँ, सबके कपड़े सिलेक्ट कर दूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो मैंने हर्षु के लिए निकाले हैं ये निक्कर है, और ये एक शर्ट है येलो कलर की, तो हर्षु को पहनाने वाली हूँ मैं ये। बॉयज़ के यार कुछ होते ही नहीं, बट गोलू के लिए है मैंने ये निकाला है, ये फ्रॉक गोलू पहनने वाली है, तो गोलू ये पहनेगी। ठीक है, आई विल वेयर ये वाला सूट, क्योंकि ये मैंने बहुत कम पहना है, शायद सिर्फ होली पे पहना, उसके बाद मैंने अभी तक इसको वेयर ही नहीं किया कहीं पर आने जाने के लिए। सो आई विल वेयर दिस वन, और बोलो कि पापा को आन दो, उनका देखते हैं क्या बनेंगे। पीसने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा मक्खन, कढ़ाई में डालना है मक्खन, उसके बाद डालनी है थोड़ी सी दालचीनी, छोटा सा डालना है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सूप बनाना है। इसके बाद आपको छान छान कर जो है ये टमाटर का पेस्ट डालना है, अच्छे से छानना है बहुत बेटर तरीके से, जितना अच्छा छानोगे उतना अच्छा आपका सूप बनेगा। टमाटर के छिलके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप इसको छानोगे तो सब छिलके और बीज सब निकल जाएंगे, तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, बट छानना कंपल्सरी है
इसको छानने के बाद आपको देखना है कि ये अच्छे से पक जाए। इसको 2-3 बॉयल आने के बाद ये दालचीनी निकाल देना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कॉर्नफ्लावर, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको कॉर्नफ्लावर को एक कटोरी में डाला और थोड़ा सा लिया यहाँ पर मैंने पानी। इसका अच्छे से सॉल्यूशन बनाना है, थोड़ा ही सॉल्यूशन बनाऊंगी। रेस्टोरेंट वालों का यही एक तरीका होता है जिससे उनका जो सूप है वो अलग होता है, कॉर्नफ्लावर का सॉल्यूशन। ये मैंने इसमें डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इससे इसकी थिकनेस बनी रहेगी और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होगा। आप ट्राई करना, बहुत अच्छा सूप बनता है ये। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर का सॉल्यूशन और थोड़ी सी यहाँ पर डाली है नमक और काली मिर्च पीस करके, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके पका लीजिए 5-7 मिनट। और इसको एक बार चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना। और ये देखो मेरा जो सूप है वो रेडी हो गया और बहुत ही यमी था ये, बहुत अच्छा था। मैंने गोलू को ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, मुझे इसके हेयर बनाने हैं, बस दैट्स इट। और हर्षु ऐसे ही घूम रहा है और मैंने भाई प्लान चेंज कर दिया, गोलू के पापा बोले ब्लू वाला पहन ले, तो मैंने फिर आज फिर ये ब्लू वाला पहन लिया। तो फिर बस अब मैंने ये सूट पहन लिया, फटाफट से मैं मेकअप करूँगी थोड़ा सा और पहले इसको रेडी करके इसको बिठा देती हूँ। मैं उसको ये पहनाने वाली हूँ, जल्दी से हर्षु को ना नीचे सो गया रेडी करके, और बस अब मुझे अपना फेस मेकअप करना और हेयर स्टाइल करना है, दैट्स इट। मैं भी रेडी हूँ, फटाफट से कर लेते हैं क्विक सा। सबसे पहले मैंने अपना फेस जो है क्लीन किया है, देख लो भाई अच्छे से क्लीन कर लिया इसको। अरे मैं पूछ देती हूँ, क्या आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत टाइट था, आपसे पूछूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और फटाफट से मैं एक बार यहाँ पे अपना फेस मेकअप कर लेती हूँ, फिर हेयर स्टाइल देखता है। सो फिर से फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं ऐसे अपना मेकअप करती हूँ, देख रहे हो पीछे ये लोग मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं, उसको भी बड़ी मुश्किल से मैं छोड़ कर आई हूँ। और ये फाउंडेशन ना मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि ये मेरी शेड नहीं है, उस दुकानदार ने मुझे ज़बरदस्ती चेप दिया, उन्हें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे अगर आपकी सहूलियत के लिए बता दूँ, ये फिटमी का है, मेबलिन फिटमी, ठीक है, देख रहे हो। मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। आई डोंट नो डिफरेंस बिटवीन फुल कवरेज फाउंडेशन और मतलब हाफ कवरेज फाउंडेशन, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आई गेस जिसको हो, भाई अंजलि को पूरी नॉलेज है, उसका चैनल मैं हर बार लिंक में देती हूँ, तो आप उसमें जाके उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको इन चीज़ों की पूरी पूरी नॉलेज है भाई। मुझे इतना नहीं पता, तो ब्यूटी प्रोडक्ट अपने मेकअप से रिलेटेड ना उसको डीएम करो इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज कमेंट डाउन करके उसको बोलो, वो सेपरेट वीडियोज़ भी बनाती है पर्टिकुलर कमेंट्स पे। मुझे मेकअप रिलेटेड नहीं पता, मैं ड्रेस रिलेटेड तो आपको बता सकती हूँ। ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया ये ना, यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा लगा हुआ है तो इग्नोर इट, ठीक है। ऑलमोस्ट डन मेरा मेकअप विद इन 5 मिनट मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अगर वैसे भी पसंद नहीं है, डन। आई शेडो की बारी है, दैट इज़ माई आई शेडो पैलेट, और मैं जो करने वाली हूँ वो सब फिंगर से करने वाली हूँ। तो अभी मैं ब्लू ब्लू कुछ नहीं लेने वाली, थोड़ी सी न्यू शेड्स लगाने वाली हूँ, ज़्यादा डार्क कुछ भी नहीं लगाने वाली। तो बहुत क्या लगाऊँ ये लगा लेती हूँ, दिस वन शेड दिख रही होगी, दिस वन। सो डन, लाइनर लगाऊंगी और डन। लाइनर अप्लाई कर लिया ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं ऑन कैमरा लाइनर अप्लाई नहीं करना था, फटाफट से और सारे एक्सटेंशन हटा लिए। टाइम टू अप्लाई मस्कारा, अब फटाफट से हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, फिर लास्ट में बिंदी और थोड़ा सा हाईलाइट। गोइंग टू वेयर दिस ब्यूटीफुल इयररिंग्स, तो फटाफट इसको भी पहन लेते हैं एक बार फटाफट से। मैंने मेकअप डन, हेयर स्टाइल डन, अभी एक बार लाइट ऑन करके अच्छे से आपको दिखाऊंगी ऑल ओवर लुक, डोंट वरी। बट एक बार मैं पहले जूती पहन लूँ, जूती दिखाती हूँ, प्लीज़ बहुत सुंदर है, पहन के दिखाती हूँ। और इनको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पेज आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक इन आउट कर सकते हैं। उनकी बहुत अच्छी जूती की शॉप है और बहुत अच्छी अच्छी जूतियाँ मिलती हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। और चलो फिर गोलू को रेडी कर देती हूँ।
गाइस जस्ट अभी हम निकल रहे हैं चाबी वाबी ले ली। गोलू दिखाओ कैसे लग रहे हो आप, और हेयर बैंड कैसे कर लिया बेटू, हेयर बैंड को स्माइल, इधर देखो इधर। और ये गोलू यहाँ पे रेडी हो गई है, तो चले चलो फिर। सो गाइस जस्ट अभी हम लोग निकल रहे हैं फटाफट से वहाँ पहुँचने के लिए, और वहाँ जाके दिखाती हूँ। और हम लोगों ने ले लिया है ये गिफ्ट यहाँ पे है मम्मी। कोई आया मैं बता दूंगी, आप लोग देख लो, ये मधु है और जो जानते हो वो तो जानते ही होंगे। तो लोग कुछ ऐसा है यहाँ का, और यहाँ पे खा रहे हैं गोलू के पापा खाना। क्या खा रहे हो? ये खा रहे हैं बाहर आके भी मिक्स हुए थोड़े चावड़े खाने हैं। और उधर मम्मी बैठी हैं, गोलू बैठी है गोलू मम्मी के साथ खा रहा है। और मेरे पास है हर्षु, और हम दोनों मस्त कर रहे हैं। तो वो लोग तो आए नहीं है, हम लोग निकल लेते हैं अपने घर के लिए। ठीक है बाय बोलो, बाय बाय, चलो घर चलते हैं चलो। अभी हम लोग ना घर आके बैठे भी नहीं है भाई, खड़ी हूँ मैं तो भी। और ना मुझे बनाना है पापा के लिए खाना, तो उनके लिए बनाती हूँ खिचड़ी। मैं उनको सूप तो देकर गई थी, बट इट्स टाइम टू गिव हिम खिचड़ी, उनको खिचड़ी देनी है, उनका खिचड़ी खाने का टाइम हो गया। तो मैं उनको दे देती हूँ, बस बैंगल्स निकालती हूँ मैंने, पहले खिचड़ी बना देती हूँ। तो गाइस मैंने ड्रेस तो चेंज कर ली है, बस मेरा मेकअप रिमूवर रह रहा है। फटाफट से मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, अब मेरे को फटाफट से ही जो मेकअप है इसको रिमूव करना है। वैसे जस्ट मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है, अपना रात का नाइट स्किन केयर भी कर लिया है फटाफट से। और जस्ट अब मैं ये हेयर स्टाइल भी मैं ऑलमोस्ट खोल चुकी, थोड़ा सा खोलना बाकी है, तो इसको भी खोल के। और दोनों बच्चे यहाँ पे सो गए हैं और हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं से, आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, ठीक है? और आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम।